इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। ननपारा में सहारा बैंक के बगल में जो कि 8-1.5 महीने से एक गौवंश जख्मी हाल में पड़ा हुआ है, इसके बारे में एसडीएम साहब को अवगत कराया गया है। एसडीएम साहब का कहना है कि नगर पालिका इस संबंध में जिम्मेदार है और जब लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन ईओ कर्मचारी से बात की तो वो आजकल बताकर बातों को टाल दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस गौवंश को नगर पालिका में ले ले और जो इलाज का खर्चा है हम सब मिलकर दे देंगे, लेकिन नगर पालिका मौन। आम जनता नगर पालिका से नाखुश। ऐसे आज से पहले कई मामले देखने को मिले नगर पालिका द्वारा गौवंश से संबंध। अब देखना यह कि नगर पालिका की तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है या फिर ऐसे ही वो गौवंश पड़े पड़े पड़ार दे देंगे। राजीव कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। खबर है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि बिजली के खंभे से एक एक्सीडेंट हो गया, 3 लोग घायल हो गए। कृत कार्रवाई के PARV 2817 के कर्मचारी गण सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा कि एक फोर व्हीलर एक बाइक वाले को बचाने में खंभे से लड़ गए, जिसके कारण फोर व्हीलर पर बिजली खंभे ट्रांसफर सहित गिर गया, जिसमें 3 लोग फंस गए थे। गांव वालों की मदद से उन पर बाहर निकाला गया और वो बाहर निकलकर एम्बुलेंस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदा लेकर भर्ती कराया गया। वहीं कुछ उपचार के बाद जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। PARV के समय से पहुंच जाने के कारण उन व्यक्तियों की जान बच गई। पंकज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। देख ले खा के खत्म कर दिन बताया पतवा देखा खाई जा रही हो देखा पतवा देखा कितना खाई जा रही पतवा काट जा रही पतवा सोच ले